2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। साथ ही जब से विपक्षी एकता दल की बैठक पटना में हुई उसके बाद से और भी कार्यक्रम तेज हो गया है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बारे में। देखिए, जिस तरह से एक तरफ महागठबंधन की जो सरकार है और सभी विपक्षी दलों को नीतीश कुमार एकजुट करने में लगे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री को लेकर किसी भी तरीके से सोचा जा रहा है कि केंद्र से भाजपा की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार को हटाया जा सके, लेकिन एक तरफ अब बात किया जाए बीजेपी यानी कि एनडीए के जो सभी घटक दल हैं तो उसमें अब चर्चा हो रहा है सीट को लेकर। लेकिन देखिए, एक तरफ चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोजपा रामविलास है और दूसरी तरफ चिराग पासवान के चाचा की पार्टी पशुपति पारस की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी। अब सीटों को लेकर है कि आखिरकार चिराग पासवान के चाचा को कितने सीट मिलेंगे उनके पार्टी को और चिराग पासवान के पार्टी को कितने सीट दिया जाएगा एनडीए के तरफ से। एक बात तो साफ है, चिराग पासवान के पास पासवान जाति के जितने भी पासवान समाज के जितने भी वोटर हैं वो जरूर चिराग पासवान के साथ हैं। पशुपति पारस के साथ बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर वोट अगर पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान के पास है। और कहा जाता है कि चिराग पासवान के पास लगभग 6-8% तक वोट बैंक चिराग पासवान के पास है। तो कहीं ना कहीं एनडीए में चिराग पासवान को लेकर ज़्यादा अहम दिया जाएगा और युवा चेहरा है और चिराग पासवान कि अगर बात की जाए युवाओं में पकड़ उनका काफ़ी ज़्यादा है और लोकप्रिय नेता भी चिराग पासवान अब बिहार के यूथ आइकन के लिए हैं, यानी कि युवाओं की पसंद चिराग पासवान जरूर बन गए हैं। अब उनके चाचा की बात की जाए कि आखिरकार लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पशुपति पारस को कितना सीट मिलेगा। हालांकि देखिए, उनको सीट को लेकर अब आगे इसी पर घमासान होने वाला है कि दोनों चाचा और भतीजा को कितना सीट दिया जाएगा। चाचा को 2 सीट मिलता है तो भतीजा को कितना सीट मिलेगा, चाचा को 1 सीट मिलता है तो फिर चिराग पासवान को कितना सीट दिया जाएगा। तो सीट को लेकर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि इसमें ज़रूर जाकर आगे देखना होगा कि किन्हें कितना सीट मिलता है और सीट को भी लेकर जरूर बयानबाजी होगा। देखिए, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए का हिस्सा बनते दिख रहे हैं तो वहीं अब जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो महागठबंधन से अलग हुई अब एनडीए में है तो जीतन राम मांझी के पार्टी संतोष सुमन जो मंत्री थे पूर्व में तो उनकी भी पार्टी को कितना सीट दिया जाएगा। तो सीटों के बंटवारा को लेकर ही 2024 के चुनाव में देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ होता है। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।